हे गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बूम मास्टर में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखिए, हम लोग ग्रीस गन का सील चेंज किए हैं और देखिए कितना हैवी प्रेशर आया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाइव डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद सील किट लगाएंगे, उसके बाद असेंबल करके फिर से देखेंगे। देखिए दोस्तों कितना हैवी प्रेशर आया है दोस्तों ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा, इतना डिटेल्स इतना बारीकी से नहीं बताया दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे यही सील किट है, हम लोग चलिए लाइव देखेंगे। दोस्तों ये जो आप ग्रीस गन देख पा रहे हैं, ये ग्रोस कंपनी का है, 6 kg इसका कैपेसिटी है। इसका जो मॉडल नंबर है वो VGP-06 है, मतलब VGP का मतलब हो गया वॉल्यूम ग्रीस पंप, जिसका कैपेसिटी 6 kg का है। तो दोस्तों इसका हम लोग ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारा बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा। प्रेशर कहने का मतलब है कि जब पंप करते हैं तो प्रेशर आता ही नहीं। तो इसका सिलकिट जो है वो कट गया है, तो हम लोग आज मतलब जो सील किट है वो मंगाए हैं ऑनलाइन, और उस सील किट को हम लोग इसको लाइव हम लोग खोलेंगे। देखिए आज हम लोग इसको पूरा डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल करने के बाद आपको बारीकी से सील का नाम भी बताएंगे और सील कहाँ कहाँ लगता है, क्या काम होता है वो भी बताएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा हैंडल लट गया, दो वो नट खुलने के बाद हमारा हैंडल खुल गया। अब ये पूरा प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर एक सरक्लिप होता है, उसको पहले हटाना होता है, उसके बाद ही ये प्लेट वगैरह हटता है। तो दोस्तों वीडियो बारीकी से आप देखिए, एक एक पॉइंट देखिए, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे डिसमेंटल हो रहा है, कैसे असेंबल होगा, कैसे सिलकिट चेंज होगा, कौन सा पोर्शन ख़राब हो चुका है। जैसे ग्रीसिंग करने के बाद सबसे ज़्यादा जो कौन सा सिल खराब होता है वो भी दिखाएँगे। तो देखिए दोस्तों ये पार्ट खुल गया है स्प्रिंग के साथ। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से है ये, तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलते ही रहेगी। और अगर किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, मैं ज़रूर ही रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप एक भी पॉइंट अगर मिस कर गए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ था, इसलिए पूरा देखिए, बढ़िया से देखिए। तो दोस्तों देखिए ये बोल्ट हमारा खुल गया है, ये जो रोड है यहाँ पे, रोड के नीचे दो सील होता है, तो एक दो सील का नाम क्या है, एक बैकअप वाशर होता है और एक ओरिंग होता है। तो जब भी क्या होता है कि ऊपर वाला सील किट ये दोनों में कोई भी कटता है तो ऊपर से ग्रीस निकलने लगता है। तो दोस्तों इस ग्रीस गन में ऊपर से ग्रीस नहीं निकल रहा था, जब हम लोग ग्रीसिंग कर रहे थे उसमें एडाप्टर से प्रेशर बहुत कम आ रहा है, वो प्रॉब्लम है। तो आपका अगर ऊपर से अगर लीकेज ग्रीसिंग का हो रहा होगा तो अपना प्रोसेस करके वहाँ का दो सील चेंज कर देने से आपका काम बन जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों ये पिस्टन रोड खोल रहा है हम लोग, तो पिस्टन रोड खोलने के बाद ये देखिए दोस्तों सील है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सील, ये ब्रास वाशर और स्टील प्लेट है और साथ में इसके सील प्लंजर है। तो जो हमारा देखिए सील प्लंजर अभी तक हमारा ख़राब हो गया, वह आगे देखेंगे क्या क्या माल है। ये जो आप देख पा रहे हैं स्टील प्लेट और ब्रास वाशर है, तो ये ठीक है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। जो है हमारा सील प्लंजर देखिए तो कितना कट गया, ये बड़ा होता है, ये बीच से कट गया है, इसका और एक पार्ट होगा, आगे देखते हैं, आगे और डिसमेंटल करते हैं। ये देखिए ये गाइड रोड है हमारा, देखिए दोस्तों यहाँ पे दो हमारा वाशर है, एक ओरिंग है और दूसरा बैकअप वाशर है जो कि ग्रीस को निकलने नहीं देता है। ये दो देखिए, ये भी इसका भी जो कंडीशन दिख रहा है वो ठीक है, तो इसको चेंज करने का दरकार नहीं है। जो हमारा बैकअप वाशर है, सॉरी बैकअप वाशर नहीं, जो हमारा सील प्लंजर है उसी में फॉल्ट है, वो तो कट गया है। अब आगे देखेंगे, अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, तो चलिए आगे डिसमेंटल करते हैं। तो अभी हमारा ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा सील बूस है, और सील बूस में ही देखिए, ये देखिए दोस्तों स्टॉपर निकला, हमारे स्टॉपर में भी सील जो कटा हुआ है उसका टुकड़ा यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये तो कचरा है दोस्तों। और ये देखिए हमारा सील का कटा हुआ पार्ट है,
देखिए दोस्तों, स्टॉपर में किस तरीके से जो भी सील कटा हुआ है उसका टुकड़ा पड़ा हुआ है। और देखिए ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सील बूस के ऊपर सील प्लंजर जो कट के और उसके अंदर घुस गया है। ये ऐसे फिट होता नहीं है एक्चुअली में, ये पूरा कट गया है इसका सील और कट के इसके ऊपर चढ़ गया। ये इसके नीचे रहेगा दोस्तों, इसका जो स्टील पार्ट था वो बिल्कुल वो हट चुका है। तो दोस्तों अब हमारा डिसमेंटल पार्ट ख़त्म हो गया है, अब हम लोग रिपेयरिंग सील किट देखेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये रिपेयरिंग किट है, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, अमेजोन से आप इसे बहुत ही अच्छे रेट में ख़रीद सकते हैं। और इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg और 30 kg, ये सबका इसमें एक ही मतलब सील से सारा ग्रीस गन का जो सील किट है वो चेंज हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा है, आप इसे ऑर्डर करके रख सकते हैं। मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सील किट के बारे में डिटेल से बताते हैं, कौन सा पार्ट का क्या नाम है और क्या फंक्शन है और क्या वर्क होता है। दोस्तों इस सील किट में क्या क्या रहता है देखिए, इस तरीके से मैंने सारा को डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रीस गन में ख़राब होता है वो ओरिंग, बैकअप वॉशर और सील प्लंजर, ये तीन चीज़ होता है जो ख़राब होता है, बाद बाकी 99% ख़राब नहीं होता, ये तीन चीज़ ख़राब होता है। तो अब दोस्तों फिटिंग करते हैं। ये जो गाइड रोड आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले ऑयल सील लगाएं, उसके बाद बैकअप वॉशर। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर का हमारा दो सील रहता है, इसका काम मतलब हमारा हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग प्लंजर रोड में जो सील है वो कैसे कैसे सीलर वाइज फिटिंग होता है वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनली ग्रीस गन में फिटिंग करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे स्टॉपर, देखिए दोस्तों स्टॉपर है। इसके बाद जो डलाएगा वो सील बूस है दोस्तों, ये देखिए ये जो है पार्ट ये सील बूस है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला पार्ट है सील प्लंजर, ये दोस्तों देखिए ये सील प्लंजर है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग डालेंगे ब्रश वाशर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गलती से सील प्लेट पहले डला गया और ब्रश वाशर उसके बाद ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों सब। इसके बाद हम लोग प्लंजर डालेंगे, उसके बाद नायलॉन नट से इसको हम लोग टाइट कर देंगे। तो ये हमारा दोस्तों डेमो फिटिंग हो गया, अब इसको हम लोग फाइनली ग्रीस गन में हम लोग फाइनली इसको फिट करके देखेंगे किस तरीके से होता है। तो दोस्तों हम लोग जितना भी सील था उसको हटा दिए हैं और आगे का जो दो सील था उसे लगाए रहने दिए। अब देखिए इस तरीके से इसका अंदर डालना है और इसके बाद हम लोग जैसा जैसा प्रोसेस था उसी तरीके से हम लोग इसको फिटिंग करेंगे। तो जैसा कि था, सबसे पहले स्टॉपर था, स्टॉपर डालेंगे, अच्छे तरीके से इसे सेट कर लेंगे। तो इसके बाद जो हमारा वो सील बूस है, ये देखिए दोस्तों हमारा सील बूस फिटिंग हो गया। इसके बाद हम लोग डालेंगे सील प्लंजर, यही है पार्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। इसके बाद हम लोग डालेंगे ब्रश वाशर, यहाँ पे उल्टा है, आप लोग ब्रश वाशर डालिएगा। हम लोग फिटिंग करने के बाद हम लोग ने फिर से खोल के ये चेंज कर लिया था, ब्रश वाशर पहले जाएगा उसके बाद सील प्लेट जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये जो सील किट है अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और मैं ग्रोस का ग्रीस गन जो होता है वो 5 kg, 10 kg, 15 kg, अगर कोई भी लेना चाहते हैं उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो होलो रॉड था उससे भी फिट कर दिया। इसके बाद हम लोग प्लंजर को लगाएंगे, उसके बाद नायलॉन नट से इसे हम लोग फाइनली फिटिंग करके टाइट कर देंगे। तो ये जो हमारा फिटिंग है दोस्तों कम्प्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग फुल टाइट कर देंगे, तो हमारा फुल टाइट हो गया है। अब इसमें हम लोग स्प्रिंग डालेंगे दोस्तों, स्प्रिंग डालने के जस्ट बाद हम लोग जो प्लेट होता है वो प्लेट लगाएंगे और इसमें एक स्टील का एक वाशर होता है उसको ऊपर से वाशर देंगे, उसके बाद इसको प्रेस करके सर क्लिप से हम लोग फिटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा प्लेट और वाशर लग गया। इस तरीके से स्प्रिंग को सबसे पहले दाब देंगे तब बढ़िया से आराम से चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फिटिंग हो गया, ये हमारा जो वाशर है वो, और इसके बाद जो हमारा सर क्लिप है ये सर क्लिप इसके ऊपर जो नोब है उसमें लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से नोज प्लायर से हम लोग इसको फिटिंग कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों हमारा फिटिंग हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग फाइनली ये जो ऊपर का दो सील लगाए थे इसको बढ़िया से अंदर कर देंगे, अंदर करके और इसका जो नट है उसको हम लोग बढ़िया से इसमें फिट कर देंगे। देखिए ये जो दो सील था ये ऊपर है, इसको अंदर बढ़िया से कर देंगे। बस नीचे करने के बाद हम लोग आराम से इसमें हम लोग जो नट है उसको हम लोग फिटिंग कर देंगे, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों बालू वगैरह से इसे बचा के रखना पड़ता है बिल्कुल, कि अगर बालू चला जाएगा तो जो सील है हमारा वो कट जाएगा। तो अब इसे हम लोग फाइनली टाइट करके हम लोग ग्रीस गन में ग्रीस भर के उसके बाद हम लोग ग्रीसिंग करके देखेंगे किस तरीके से प्रेशर आए। और उससे पहले क्या दोस्तों कि हम लोग को जो एयर है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये जो पाइप है इसमें तो बिल्कुल ग्रीस है नहीं, तो अभी एयर लेगा तो हम लोग देखेंगे कि एयर किस तरीके से निकालते भी हैं और उसके बाद फाइनली ग्रीसिंग करके देखेंगे कितना प्रेशर किस तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके का मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों अब हमारा जो हैंडल है वो इसमें जो दो नट लगता है इसे हम लोग सिंपली तरीके से फिट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से फिट हो गया और इसे बढ़िया से टाइट दे देंगे। अब हमारा दोस्तों जो सील किट का प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग इसे फिटिंग करेंगे फाइनली। तो देखिए हमारा जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए दोस्तों, अभी जो पंप मारेंगे ना बिल्कुल फ्री होगा, देखिए फ्री है। तब हम लोग ये जो हमारा एयर रिलीज है जो वाल्व दिया हुआ है इसे हम लोग खोल लेंगे पहले, इसके बाद पंपिंग करेंगे। पंपिंग करने से क्या होगा जो ग्रीस अंदर डब्बे में है वो हमारा पाइप में आ जाएगा। तो इस तरीके से पंपिंग करना है, 20-25 बार पंपिंग करने से देखिए इस पोजीशन से ग्रीस हमारा निकलेगा। तो देखिए दोस्तों हमारा देखिए इस तरीके से एयर निकल रहा है, तो जब हमारा मोटा ग्रीस निकल जाएगा तो हमारा समझिए एयर निकल गया। तो हमारा यहाँ जो मोटा ग्रीस निकल गया तो हमारा एयर निकल गया। अब हम इसको फाइनली टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद ग्रीसिंग करेंगे। तो आप देखिएगा इसका प्रेशर दोस्तों कितना हैवी प्रेशर आता है दोस्तों सील किट चेंज करने के बाद। ग्रोस गन जो ग्रीस है दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ग्रीस गन है, आप इसको यूज कर सकते हैं आराम से, अच्छे से यूज कीजिएगा तो बहुत दिन तक चलेगा दोस्तों ये ग्रीस गन। अगर ये ग्रीस गन आप लेना चाहते हो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे आप लोग खरीद सकते हैं। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो लगभग 4,000-4,500 के बीच में है। तो अब हम लोग पंपिंग करके देखते हैं, देखिए ये किस तरीके से प्रेशर आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रेशर एडाप्टर में दोस्तों प्रॉब्लम है, एडाप्टर चेंज करना होगा। देखिए दोस्तों ये जो एडाप्टर हमारा ये ख़राब है इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर से हम लोग ग्रीस करके देखेंगे। देखिए चेंज कर लिए हम लोग, अब देखिए प्रेशर दोस्तों, ये देखिए दोस्तों प्रेशर क्या हैवी प्रेशर है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।